मेरी संस्था का मुख्य उद्देश्य जन जन का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना है, जिससे हमारे देश का विकास हो सके। मैं ट्रेनिंग के पहले एक ब्रेन का टेस्ट करता हूँ, जिसके माध्यम से ब्रेन और माइंड की नेचर का पता चलता है कि हमारा ब्रेन किस लिए बना है और कैसे कम से कम समय में अधिकतम कार्य कर सकता है। सबसे कीमती समय है। हमें सफल बनने के लिए समय प्रबंधन की कला सीखनी ही होगी। जिसने अपने जीवन में समय को महत्व नहीं दिया, समाज उसे कोई महत्व नहीं देता। बात समझ में आई दोस्तों, तो मुझसे जुड़े और आगे बढ़े। जोड़ के लिए वैदिक गणित की तरकीबें। जोड़ वैदिक गणित की सबसे बुनियादी संक्रियाओं में से एक है। ये बताता है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 के गुणज के सबसे निकट है, क्योंकि उन संख्याओं को जोड़ना आसान होता है। 7, 8, 9 करीब 10, 21, 22, 23 करीब 20, 67, 68, 69, 70 के करीब है, 97, 98, 99, 100 के करीब है, इत्यादि। उन संख्याओं को जोड़ें जो 10 के गुणज हैं। संख्याओं की कमी को जोड़ें घटाएं। आइए एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। मान लीजिए हमें 27 और 98 को जोड़ना है, तो वैदिक गणित हमें 30 और 100 को जोड़ने को कहता है, जो 130 है, और फिर 130 में से 3 जोड़ दो, यानी कमी घटा दें, तो परिणाम 125 होगा। इसी प्रकार यदि हमें 66 और 576 को जोड़ना है, तो वैदिक गणित हमें 70 और 580 को जोड़ने को कहता है, जो 650 है, और फिर 650 में से 4 जोड़ 4, यानी कमी घटा दें, तो परिणाम 642 होगा। वैदिक गणित का उपयोग करके जोड़ करने की एक और तरकीब है, जिसमें सैकड़ों को सैकड़ों में, दसियों को दसियों में तथा इकाइयों को इकाई में जोड़ने आदि को बताया गया है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास निम्नलिखित प्रश्न है, 220 जोड़ 364 जोड़ 44 जोड़ 18 इक्वल्स। वैदिक गणित हमें संख्याओं को उनके स्थानीय मान के अनुसार तोड़ने के लिए कहता है, इसलिए हम जोड़ को इस प्रकार तोड़ेंगे, 200 प्लस 300 इक्वल्स 500, 20 प्लस 60 प्लस 40 प्लस 10 इक्वल्स 130, 4 प्लस 4 प्लस 8 इक्वल्स 16। प्रक्रिया को दोहराएं, 500 प्लस 100 इक्वल्स 600, 30 प्लस 10 इक्वल्स 40, और इकाई के स्थान पर हमारे पास 6 है। अब 600 प्लस 40 प्लस 6 इक्वल्स 646 का। Short trick to find cube root of a number. Step 1. Find the unit digit of the cube root number. Example. There are some tricks to find the cube root easily. If the last digit of the given number is 1, the unit digit of cube root will be 1. If the last digit of the given number is 8, the unit digit of cube root will be 2. If the last digit of the given number is 7, the unit digit of cube root will be 3. If the last digit of the given number is 4, the unit digit of cube root will be 4. If the last digit of the given number is 5, the unit digit of cube root will be 5. If the last digit of the given number is 6, the unit digit of cube root will be 6. If the last digit of the given number is 3, the unit digit of cube root will be 7. If the last digit of the given number is 2, the unit digit of cube root will be 8. If the last digit of the given number is 9, the unit digit of cube root will be 9. Here the last digit of the number is 2, so the unit digit of cube root will be 8. Step 2. Divide the given number into two groups. Last three digits are taken as one group and all other digits are taken as second group. 58,472. Number series for bank exams 2020. Step 3. Find the nearest cube of the first group, i.e., 58. The nearest cube is 27, i.e., the number on the tens place is 3. Step 4. Combine the numbers on the tens and ones place, i.e.,